तो गाइस क्या आप भी जब फाइट लेने लगते हो एनिमी से और तभी आपका जॉयस्टिक छूट जाता है और जॉयस्टिक काम नहीं करता, मतलब मूवमेंट नहीं होती और आप फिर एनिमी से मर जाते हो, और ये आपके आईफोन और आईपैड में हमेशा होता है जब भी आप फाइट लेने जाते हो। तो आज मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ एंड मैं ऐसी 4 टिप्स बताऊंगा जिसको कि आप करोगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा और आपका फिर किसी भी गेम में ये जॉयस्टिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो BGMI हो या पबजी मोबाइल हो। तो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 में ऐसे होने वाला है कि जब भी आपका ये इशू हो और आप मर जाओ या फिर ना भी मरो तो आपको क्या करना है, फटाफट से अपनी सेटिंग्स में जाना है एंड जो जॉयस्टिक होती है हमारे पबजी मोबाइल में BGMI में तो उसको आपको छोटा या बड़ा करना है। अगर आप छोटे जॉयस्टिक से खेलते हो तो आप उसको बड़ा कर देना एंड अगर आप बड़े से खेलते हो तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हो एंड ज्यादा से ज्यादा 150 करना, उससे ज्यादा मत करना। एंड जो आपको अपने जॉयस्टिक रखना है वो ज्यादा किनारे में नहीं रखना है, मतलब कि जो स्क्रीन की बेजल्स होती है उसके आसपास नहीं रखना है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे आपको रखना है अपना जॉयस्टिक जहाँ पे मैंने रखा हुआ है और जैसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे नहीं रखना है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1 और इससे आपका जरूर से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा भी ये इशू फिक्स हो गया था, तो ये आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। एंड अभी आते हैं टिप नंबर 2 पे। तो गाइस टिप नंबर 2 करने के लिए आपको आ जाना है अपने पबजी मोबाइल या फिर BGMI की सेटिंग्स में एंड फिर आपको जाना है यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में, बेसिक में, और फिर आपको यहाँ पे स्प्रिंट सेंसिटिविटी मिलेगी तो इसको आपको रखना है 80 से लेके 100 तक। एंड गाइस ये भी काफी इफेक्ट करता है तो अगर आप इसको कम रखते हो तो जैसे मैंने बताया है वैसे आप इसको अब रखना, नहीं तो आपका जरूर से ये इशू दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो। एंड अभी बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। तो गाइस टिप नंबर 3 करने के लिए आपको आ जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में, गेम की सेटिंग्स में आपको नहीं जाना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है एंड फिर आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है टच पे और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा शेक टू अनडू और ये आपका इनेबल होगा तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। और गाइज इसको करके भी आपका जरूर से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि काफी बंदों का इससे फिक्स हुआ है और मेरे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर का इससे फिक्स हुआ है ये, तो ये भी आप कर सकते हो और अगर वर्क करेगा तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड गाइज अभी बात कर लेते हैं अपनी लास्ट टिप के बारे में, यानी कि टिप नंबर 4 के बारे में। तो गाइस टिप नंबर 4 करने के लिए आपको आ जाना है अपने गेम की सेटिंग्स में एंड फिर आपको यहाँ पे जाना है अपने कंट्रोल्स पे, मतलब कि जिससे आप खेलते हो उन कंट्रोल्स पे जाना है। और गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ऑलरेडी हो रखी होती है तो इसी को आपको करना है अब यहाँ पे सही, तो मैं बताने वाला हूँ अभी कि क्या आपको सही करना है, तो वीडियो को अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो फायर बटन होते हैं इसको एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं कुछ लोग एंड यही गलती होती है सबसे बड़ी, क्योंकि इससे फिर दोनों बटन एक साथ दबते हैं और आप यहाँ पे खेलते हो 4 फिंगर 5 फिंगर और इसके वजह से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जाते हैं एंड इस वजह से सिस्टम हो जाता है कंफ्यूज और आपका हो जाता है जॉयस्टिक ग्लिच। तो इस वजह से आपको यहाँ पे अपने फायर बटन एक दूसरे के ऊपर नहीं रख रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हल्का सा टच हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं रखना है, नहीं तो आपका जरूर से टच इशू भी होगा और जॉयस्टिक ग्लिच भी हो जाएगा 100%। तो इसी गलती को आपको अपने सुधार लेना है एंड यही थी हमारी टिप नंबर 4 और ये सब टिप्स करके आपका जरूर से फिक्स हो जाएगा जॉयस्टिक वाला इशू और टच इशू भी आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर फिक्स ना हो तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर से पूछ सकते हो, मैं सोल्यूशन बता दूंगा। एंड गाइस अगर आपको जानना हो कि आप अपने iOS में यानी कि आईफोन आईपैड में पबजी कोरियन वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो आई बटन पे अभी एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, वो वीडियो देख लो एंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर पबजी कोरिया को डाउनलोड कर सकते हो। और यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर प्रॉब्लम ना फिक्स हो तो आप कुछ भी मत करना, उल्टा डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।